हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जितना हम सोच भी नहीं सकते या हमारी ज़िंदगी में भी नहीं आ सकता, ठीक है। और वो कौन से स्टॉक में किया जा रहा है दोस्तों, किस प्राइस पर किया जा रहा है, किस लेवल पर किया जा रहा है, वो सब बताऊँगा। वो स्टॉक दोस्तों 110 रुपये पर था, ठीक है। अब वो गिर के आ चुका है केवल 15 या 20 रुपये के आसपास, और उसको ख़रीदने के लिए लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों कंपनी का प्राइस गिर चुका है, ठीक है, ड्यू टू मार्केट क्रैश और एनी अदर थिंग्स, ठीक है दोस्तों। और बहुत सारे इसके कारण हैं जिसके वजह से मार्केट गिरा, लेकिन स्टॉक का वैल्यूएशन अभी बहुत ज़्यादा है। आपको बिलीव नहीं होगा, स्टॉक में क्वालिटी भी है, ठीक है, और स्टॉक अंडर वैल्यूड भी है। अब ये दोनों चीज़ जिसमें मिल जाता है वो कंपनी बहुत अच्छी होती है। तो कौन सी कंपनी है, सबसे पहले हम दिखाते हैं कितना और कौन इन्वेस्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं जिस शख्स का आपको पोर्टफोलियो दिखाने जा रहा हूँ उनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ा और ब्रांडेड नाम है दोस्तों, जो लोग पूरा जीवन भर में नहीं कमा सकते दोस्तों। इन्होंने केवल 20 या 25 साल के अंदर कमा लिया दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट में। और कोई छोटा मोटा नहीं दोस्तों, अरबों खरबों रुपया इन्वेस्ट किया गया, मतलब बोरी भर भर के दोस्तों, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं अभी आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, शेयर होल्डर, ठीक है, मतलब कितना शेयर और कौन सा शेयर इन्होंने खरीदा दोस्तों। स्टॉक का नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ दोस्तों, स्टॉक का नाम है NCC, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं NCC इन्होंने कितना दोस्तों, 20 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आपको ये लाइन पर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 2% के आसपास जो है इन्होंने ये स्टॉक को रखा है। आपको सबसे पहले रो समझा देता हूं, ठीक है। तो रो में है दोस्तों ये सबसे पहले कंपनी का नेम, फिर उसके बाद आता है होल्डिंग, कितना परसेंट होल्डिंग उन्होंने किया है, ठीक है, और उसके बाद आता है दोस्तों करोड़, ठीक है, कितना करोड़ इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है वो स्टॉक में, ठीक है। स्टॉक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं वो स्टॉक, ठीक है। कंपनी का नाम है NCC दोस्तों। इसका जो हाईएस्ट प्राइस है आप देखोगे वो 100 रुपीज़ था, 110 रुपीज़ था, सॉरी 110 रुपीज़ था, अभी चल रहा है केवल 20 रुपये के आसपास। और उसके बाद फिर देख सकते हैं कंपनी का, यहाँ पर देख सकते हैं कितना परसेंट, लगभग 2% के आसपास। और उसके बाद कितना का इन्वेस्टमेंट किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, और वो भी किसके पोर्टफोलियो में है, राकेश झुनझुनवाला। देखिए ये जो लाइन शो कर रहा है आपको, ये जो रो है, ये दोस्तों कितना करोड़ रुपीज़ इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई आप वही स्टॉक को क्यों फोकस कर रहे हो, वही स्टॉक को आप क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, उनका नाम है राकेश झुनझुनवाला, वो वही स्टॉक को खरीदते हैं जो मल्टीबैगर बनने वाला होता है। और आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, जब कोई टाइटन को पूछता नहीं था 1 रुपये में 2 रुपये में, कोई नहीं पूछता था दोस्तों, ठीक है, तब उन्होंने खरीदा था, और उन्होंने दोस्तों कम से कम अरबों खरबों रुपया कमाया है दोस्तों। स्टॉक का प्राइस हो गया था 2000 रुपये, बोनस डिविडेंड अलग था, ठीक है, स्टॉक स्प्लिट हुआ। अब मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ दोस्तों NCC पे फोकस करने के लिए, क्योंकि इसका पीछे वजह यह है, यहां देख सकते हो राकेश झुनझुनवाला इंक्रीज ही स्टेक इन 5 कंपनी, मतलब कि दोस्तों इन्होंने अपना स्टेक को इंक्रीज किया, और वो कंपनी NCC भी आता है, यहाँ पर देख लीजिए NCC भी आता है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई मुझे तो छोटी कंपनियों के बारे में बताइए, क्योंकि मैं एक छोटा इन्वेस्टर हूँ। तो आप केवल 10,000 रुपया भी ऐसी से ऐसी कंपनी में डाल सकते हैं, भाई डाल सकते हो कि नहीं, इससे छोटा इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं सकता। और इससे छोटे से छोटे स्टॉक के बारे में कैसे हम बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो कंपनी मैंने फाइंड आउट करके कॉमन निकाला है, जो क्वालिटी वाला भी है, अंडर वैल्यूड भी है, ठीक है, और ऊपर से दोस्तों एक बहुत दिग्गज, मतलब कि बहुत टैलेंटेड और होनहार लोगों के पोर्टफोलियो में भी है, ठीक है, पोर्टफोलियो में भी है। और उसके बाद दोस्तों स्टॉक आपको बहुत अच्छे प्राइस पे भी मिल रहा है, क्योंकि ये जो टाइम है मार्केट क्रैश है, सब कुछ डुबा दिया, लेकिन ये जो टाइम है खरीदने का है, बेचने का ना, इसलिए मैंने इस स्टॉक के बारे में आप लोगों को बताना चाहा। फोकस करने के बहुत कारण है दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर, यहाँ पर देख सकते हैं जिस कंपनी का PE रेशियो कम होता है वो स्टॉक पे हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिसका PE रेशियो बहुत हाई है तो वो आपको लॉस देने का बहुत ज़्यादा चांस रखता है। और कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि भाई इस कंपनी ने तो बहुत लॉस दिया, मल्टीबैगर का मतलब भी यही होता है कि जो स्टॉक गिरा हुआ है उसको खरीदो, ठीक है। आपने सुना होगा कोई ऐसा स्टॉक था दोस्तों, मैकडोनल्ड्स या कुछ ऐसे स्टॉक था पिज़्ज़ा बर्गर का, ठीक था, तो वो दोस्तों 1 रुपये के प्राइस पर चला गया था,
उसके बाद वो स्टॉक मल्टी बैगर बन चुका था। तो हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा स्टॉक कंपनी का, अगर आप वैल्यूएशन भी देखोगे तो आपको बहुत अच्छे प्राइस पर मिलेगा। देख लीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन भी नॉर्मल है, डिविडेंड के अगर हिसाब से देखें तो डिविडेंड अराउंड 9% के आसपास दिए जा रहा, ये फिक्स डिपॉजिट से तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट से भी तो अच्छा है और उससे भी आपको अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों पीई रेशियो जो है इस चीज़ पर आपको फोकस करना है, ये बहुत कम रेट पर मिल रहा। तो ऐसी ऐसी चीज़ जो है यहाँ पर फोकस करके राकेश झुनझुनवाला ने ऐसे कंपनी को टारगेट किया है ताकि अगर प्रॉफिट मिले तो दम भर प्रॉफिट मिले, ठीक है, प्रॉफिट मिले तो दम भर प्रॉफिट मिले। एनसीसी का अभी जो प्राइस चल रहा दोस्तों 17 रुपीज़ के आसपास चल रहा, ठीक है, तो बहुत अच्छा प्राइस पे आपको मिल रहा है, दोबारा मौका नहीं मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग हैं अच्छे से अच्छे वैल्यूएशन, और आपको तो इतना याद रखना पड़ेगा कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ऊपर से ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये दोस्तों बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, हर एक चीज़ पढ़ के प्रॉफिट दे सकता है। तो भाई आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि राकेश झुनझुनवाले के पोर्टफोलियो में था एक बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट लगाया गया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कम से कम इन्फॉर्म कर दूं। मेरे हिसाब से मैं ये नहीं आपको फोर्स कर रहा हूं कि आपको खरीदना है, आपको अपना भी फाइनेंशियल कंडीशन देखना है, आप अपने एडवाइजरी से चाहे जो भी है फाइनेंशियल एडवाइज़र आपसे उनसे पूछ लीजिए, उसके बाद कंपनी का फंडामेंटल जो भी है सब कुछ देख लीजिए, क्योंकि देखिए प्रॉफिट मिलेगा तो आपको रिस्क आपका रिवॉर्ड आपका, ठीक है, तो हर एक चीज़ आपका है। देखिए आप बोलेंगे क्यों बताया दोस्तों, तो देखिए बड़े लोग हैं, जब इन्होंने खरीदा है तो कुछ ना कुछ सोच के खरीदा है, ऐसा बात तो नहीं है कि बिना सोचे पैसा लगा दिया, वो भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है, कितना है 2 करोड़ है, 20 करोड़ है, ठीक है 20 करोड़, तो ये कोई बड़ा अमाउंट है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, अगर आप चाहते हो कि मैं राकेश झुनझुनवाला का पूरा पोर्टफोलियो दिखाऊं और कौन सा ऐसा स्टॉक है जिनमें उन्होंने मतलब पूरा भर भर के इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप दोस्तों कॉमेंट करो और ऊपर से लाइक करो, मैं जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाने के स्टार्ट करूँगा। और हाँ, मैं वही स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा जो बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है, उस स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, ताकि अगर आप भी खरीदते हो तो आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट फिट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो आपसे मिस हो जाएगा।